सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, आज हम करेंगे गाइडली का मॉक नंबर 5 RRBPO का। ठीक है, तो लिख रखा है इन्होंने मॉडरेट, इजी लेवल का भी इनका कुछ ना कुछ हाई मेंस का लेवल का लगता है। मॉडरेट में पता नहीं क्या ही करेंगे, तो ट्राई करेंगे अच्छा देने का। वैसे भी अभी रिजल्ट आया है तो देखते हैं कैसा जाएगा। मोड वैसे ही ख़राब है, ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने का। जैसा भी जाएगा अब देखा जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक को। मॉडरेट का पता नहीं अभी ये क्या है, SBIPO मेंस बना देंगे क्या। ओके क्या बना दिया भाई ये। अच्छा, ये मैथ्स है, मुझे लगा हसल दे दी। 8% है जो कि ओपन बैंक अकाउंट SBI। ठीक है, डिफरेंट डेट्स 5/16 5/16 5/16 5/16 2 4 6 2 8 हो गए। और क्या दे रखा है, सिंगल वेरिएबल है। और मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अब देखते हैं। टी वॉज ओपन एन अकाउंट ऑन एन ओड नंबर डेट एंड 2% बिफोर वी। ओके, टी 2% बिफोर वी है और जो कि ओड नंबर डेट पर है। ओड नंबर डेट इधर हो सकता, इधर भी हो सकता है। टी एक वी, टी एक वी। और टी ओड इधर भी, ठीक है, इधर बनेगा नहीं। फिर देखते हैं 3% वी एंड क्यू, 1 2 3 VQ, 1 2 3 VQ का 1 2 3 VQ इधर आ जाएगा। और क्या है, एज मैनी पर्सन बिफोर क्यू आफ्टर आर, तो आर आर 1 2 1 2 R। तो यू डिडेंट ओपन द अकाउंट ऑन एन इवन नंबर डेट, यू भी ओड पर आएगा आएगा, मतलब यू आ गया इधर, यू एक इधर आ सकता है, इधर ही है, 1 2 3 यू इधर आएगा। और एस ओपन द अकाउंट बिफोर पी, एस ओपन बिफोर पी, बोथ ऑफ देम ओपन ओपन द अकाउंट इन अ मंथ विच हैज़ सेम नंबर ऑफ डेज। तो एक तो ये है, ठीक है, बाकी बचेगा वो दोनों हैं, तो इसमें होगा नहीं एस, सेम नंबर ऑफ डेज तो इसी में आएगा। और एक ये एस और पी, अब एक ये इसमें होगा नहीं एस, और इधर पी आ जाएगा। डब्ल्यू डिड नॉट ओपन द अकाउंट इन द मंथ विच हैज़ ओड नंबर ऑफ, ओड तो इसमें आएगा नहीं, उसमें भी नहीं आएगा, तो डब्ल्यू आएगा इसी में। ये बन गया हमारा एज मैनी पर्सन बिफोर अकाउंट ओपन बिफोर टी, बिफोर टी आफ्टर पी, बस 16 July सही है। और होम इन द फॉलोइंग ओपन द अकाउंट ऑन एन इवन नंबर डेट, इवन नंबर डेट डब्ल्यू पी यू, डब्ल्यू इवन, पी भी इवन, यू नहीं है, डब्ल्यू और पी है 1 और 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। तो आर आर ओपन द अकाउंट ऑन एन ओड नंबर डेट, आर जो कि ओड नंबर डेट नहीं है। पी ओपन द अकाउंट इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज, पी 30 डेज, ये भी नहीं है। तो टी ओपन अप्रैल, टी अप्रैल में है, ये सही है। तो वी ओपन द अकाउंट इन द मंथ फॉलोइंग मंथ एंड डेट, तो वी कहाँ आएगा, 5 July फिर है। तो क्यू एस, क्यू हो गया, एस हो गया, वी यू, वी यू एक पी है, ठीक है, ये दोनों मंथ के हो गए, तो यू आ जाएगा अलग एक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओनली ए फ्यू पुलिस डॉक्टर, ओल्ड डॉक्टर, लॉयर, नो लॉयर, ड्राइवर, सम ड्राइवर, बी ए ओल्ड डॉक्टर बिंग ड्राइवर, ओल्ड डॉक्टर बिंग ड्राइवर नहीं हो सकते। तो सम वी ओ आर नॉट लॉयर, वी ए ओ इज़ नॉट लॉयर, ये भी सही है।
ये वाला पार्ट नहीं होगा। ओ सम पुलिस आर नॉट ड्राइवर, सम पुलिस इज नॉट ड्राइवर, ये भी सही है। ठीक है, अब ये हो गए सेकंड और थर्ड। ठीक है, फिर है बैट जो कि सिर्फ बॉल। ओके सम बॉल स्टंप, ओ नो स्टंप, शू ऑल शूज, कैप। फिर है नो बैट इज ए कैप, नो बैट इज ए कैप, सही है। और सम बॉल आर डेफिनेटली नॉट स्टम्प, सम बॉल्स नॉट स्टम्प, सही है। और ऑल कैप बींग स्टम्प, ऑल कैप बींग स्टम्प इज ए पॉसिबिलिटी, कभी भी नहीं हो सकता। तो 1-0-2 होगा इसमें, 1-0-2। ठीक है, ओनली ए फ्यू ग्लासेस प्लेट, और सम ग्लव सम प्लेट इज कप। ओके सम कप आर नॉट स्पून, ऑल स्पून आर पेन। ठीक है, ऑल स्पून बिंग कप, ऑल स्पून बिंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकते। और फिर क्या है, सम प्लेट आर डेफिनेटली नॉट स्पून, सम प्लेट डेफिनेटली नॉट स्पून, सही है ये भी। और ऑल पेन कैन बी कप, ऑल पेन कैन बी कप, नहीं हो सकता। ओनली सेकेंड आएगा इसका, ओनली सेकेंड तो है ही नहीं, तो मैंने गलत बना दिया था कुछ। देखते हैं, ओनली ए फ्यू ग्लासेस प्लेट हो गई, सम प्लेट कप हो गया, तो सम कप इज नॉट स्पून, सही है। ऑल स्पून इज पेन, ओके ऑल स्पून बिंग कप, ऑल स्पून बिंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, सही है। ओनली ए फ्यू, ओ ये था ना सम कप आर नॉट था ना, तो ये तो हो ही सकता है मतलब। और फिर लास्ट आ देते हैं, ऑल पेन कैन बी कप, ऑल पेन कैन बी, ऑल पेन तो ये, ऑल पेन कैन बी कप तो ये भी हो सकता है, सारे के सारे सही आएंगे। ऑल फॉलो, फिर है सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन ए लीनियर ऑफिसिंग, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन टी और एस, दो गए टी और एस, एक दो एस और टी हो गए इधर, और एल सिट फोर टू द राइट ऑफ टी, 1-2-3-4, 1-2-3-4। फिर है टू पर्सन, ये तो हो गया फोर पर्सन, एल एंड बी, बी सेकेंड फ्रॉम राइट एंड, कितने हैं फोर पर्सन एल और बी, 1-2-3-4, 1-2-3-4, और बी सिट सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, तो ये हो गया सेकेंड। एज मैनी पर्सन सिट एल और एस, एस बिटवीन टी और के, और के सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, एस और एल में है, एक सेकेंड, दो थे ना ये दोनों एक साथ हैं, और टी और इधर के, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, इधर आएगा के, ठीक है ये खत्म। और द नंबर पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी इज वन लेस देन द नंबर पर्सन लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, और एम सेट इमीडिएट राइट ऑफ के, ये बनेगा नहीं, एम इधर, और एक कम है यानी कि दो आएंगे, बन गए 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-18-19-19 हो जाएंगे टोटल। और सिट थर्ड, सिट टू द राइट ऑफ टी, एल और बी है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। फिर हाउ मेनी पर्सन, 19 है। इफ जेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जेड मान लेते हैं अगर इधर है, ठीक है, पोजीशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एल, 1-2-3, थर्ड टू द राइट अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन एम ओ टी, एम ओ टी में एस। फिर सिक्स पर्सन है जो कि हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डैम्स, एस हैज मोर डैम्स, एस मोर डैम्स देन पी बट लेस देन क्यू, ओनली वन स्टेट हैज लेस देन टी, 1-2-3-4-5-6, ओनली वन स्टेट हैज लेस देन टी, टी से कम सिर्फ एक ही है, ओ यू हैज मोर डैम्स देन टी बट लेस देन द क्यू। ठीक है, 1-2-3-4, 1-2-3-4, क्यू सबसे ज़्यादा आएगा। ओके पी, पी हैज़ द ली, पी नाइदर हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डैम,
nor has more than u. तो p जो कि कम होगा u से, तो p इधर भी नहीं आएगा, ठीक है. और फिर एक सेकेंड, पी हैज ये इधर, पी इधर नहीं आएगा, पी इधर मान लेते एक बार, पी इधर आ गया तो एस, लेकिन फिर यू नहीं आएगा, ठीक है. एस और यू कहीं भी हो सकते हैं इन दोनों में से, और बचे कौन सा, टी हो गया ये. एस और यू हमारा इधर आ जाएगा, फिर बचा क्या, पी क्यू आर बच गया ना, एक आर इधर आएगा लास्ट में, ये वाला सही बनेगा. इन दोनों पोजीशंस का हमें पता नहीं, द विच इज द सेकेंड हाईएस्ट इज 196 विच इज 28 मोर देन यू, तो यू आएगा इधर, वो बच गया कौन सा, एस, एस आएगा इधर 126, 28 ज़्यादा है ना, 6-8 आ जाएगा, वो यहाँ बच गया 8 में से दो गए 6 168. ओके, पॉसिबल नंबर ऑफ डैम्स क्यू, क्यू के ज़्यादा आएंगे 196 से, तो एक तो सी नहीं आ सकता, ठीक है. तो सम ऑफ द नंबर ऑफ डैम्स क्यू और एस है 404, तो 208 हो जाएगा क्यू का. ओके, वो डिफरेंट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ डैम्स यू एंड पी, तो यू और पी दे रखा है 320, 120 तो ये हो गया 30, 32, 152 ही होगा ना, 30, 32, हाँ सही है. और डिफरेंस बिटवीन द डैम्स क्यू और पी का होता है ना, क्यू है 208, 152 ये 44 और 52 आ जाएगा, 52 तो है नहीं, यहाँ से एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं. सम ऑफ द नंबर ऑफ डैम क्यू और एस 404 है, क्यू का फिर इसका 404 200 204 208 हो गया सही है. और सम यू और पी का 320 168 है, तो दो आ गया, 11 4 5, यहाँ से कितना आएगा, 152, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्यू और पी का बताना है ना, 208 तो ये था, 152 ये 656 आएगा, पता नहीं मैंने क्या ही किया था. सेकेंड हाईएस्ट है एस. नेक्स्ट पर चलते हैं, तो ये है 8 पर्सन है जो कि ये सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, और 4 ऑफ देम आर कॉर्नर एंड फेसेस अवे द सेंटर, वाइल मिडल फेसेस द सेंटर, मिडल वाले सेंटर में देख रहे हैं. और क्या है, 1 पर्सन सिट एच एंड सी, सी वो सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, तो सी मिडल में बना देते हैं, 1 पर्सन एच और सी, एक एच इधर, बी थर्ड टू द राइट ऑफ सी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है. एंड डी सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू बी, सेकेंड टू द राइट, 1 2 डी, सेकेंड टू द राइट, हो गया एज मैनी पर्सन बी और डी, ठीक है, एज सी और ए, बी और डी और सी और ए हो जाएगा, बी और डी सी और ए इधर, ठीक है. एज मैनी पर्सन ये हो गया, 1 पर्सन ई और एफ, तो ई और एफ, 1 पर्सन एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एफ इधर आएगा नहीं, एफ इधर भी नहीं आएगा, तो एफ आएगा इधर, ई आएगा इधर, ठीक है, ई इधर एफ इधर बन गया. और आगे देखते हैं, जी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3 जी आ गया, इधर बनेगा नहीं, बस ये हमारा सही होगा. फोर ऑफ देम बी ई एफ हो गया, और डी एक सी गलत हो जाएगा, इसमें प्रूफ बताना है, बी के बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी सही है, पहला सही है हमारा, सेकंड टू द राइट ऑफ डी सही है. बी सीट अपोजिट टू एच गलत, तो बी फेसेस द, ये भी गलत, बी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ये भी गलत, ठीक है. तो इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के बताना है एच और जी, तो ई एफ आएगा नहीं, अपोजिट टू सी पहला सही है, सेकंड गलत, अपोजिट टू ए ये भी सही है, तो फर्स्ट और थर्ड आएगा इसका सही. सिट अपोजिट टू द वन
who sits second to the right of C? Was it to the one who sits second to the person, the following, who among the following persons sit opposite to the one who sits second to the right of C? Second to the right, left, right, opposite to the H. If all the person made alphabetical order starting from A in clockwise direction, A, B, C, D, E, F, G, H, एक आ गया, दो आ गई, फिर इसका होता है थर्मल का, थर्मल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, लास्ट वाले में है W, D, ये नहीं होगा, J, और K, ये भी नहीं होगा, I, ये हो सकता है, J, K, और I, B और C, ठीक है, S, M नहीं होगा, J, K, नहीं होगा, R, E, ये भी नहीं होगा, ठीक है, सही है, और इसका ये दे रखा है, तो एमिशन, एमिशन का क्या होगा, इधर वी एफ नहीं होगा, एम एल, एम एंड एल ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, सॉरी एम एल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एम एल उसमें है तो नहीं होगा, ए डी, ए डी भी नहीं होगा, के जी होगा फिर इसका, ठीक है, के जी हो गया एक तो, और इफेक्ट का बताना, इफेक्ट का, इफेक्ट एम एल टी वाई हो जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ है, के वाई, के जी और टी वाई, ठीक है, और इफेक्ट का एक बार इसमें भी देख लेते हैं, इफेक्ट वैसे इसमें होगा नहीं, नहीं है, और वी और एफ, वी एफ का इसमें, इसमें तो एक दो इन दोनों में है, फ्यूजन, फ्यूजन का नहीं होगा, फ्लेम नहीं होगा, लाइट, पावर, लाइट हो जाएगा इसका, ठीक है, फिर है पावर क्लेम, पावर क्लेम का हमने निकाला नहीं है, ठीक है, पावर का इसमें भी नहीं है, इसमें है एक पावर ये रहा, तो सिर्फ इसमें होगा, ए डी नहीं होगा, ए के हो सकता है, ए के डब्ल्यू डी ये भी नहीं होगा, पी और एन भी नहीं होगा, क्लेम का, क्लेम का सिर्फ इसमें होगा, पी और एन नहीं होगा, वी, बी और एफ और ये हो सकता है, ठीक है, फिर देखते हैं, एस एम नहीं होगा, बी और एफ भी नहीं होगा, रिएक्टर, 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 रिएक्टर ये रहा एक, ठीक है, एक और एक, ये दो, और डब्ल्यू डी, जे के, आई एन हो सकता है, ठीक है, एस एम नहीं होगा, डब्ल्यू डी, एक सेकेंड क्या लिख रहा हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं है यार, रिएक्टर इन दोनों में है ना, तो डब्ल्यू डी हो सकता है, ठीक है, फिर जे के नहीं होगा, आई एन नहीं होगा, एस एम नहीं होगा, तो ये बनेंगे ए के बी एफ, तो कहाँ है ये, है ही नहीं, ये क्या बात हुई, पावर का दोबारा देखेंगे, पावर, पावर इसमें है एक, ठीक है, सिर्फ इसी में है, तो ए डी नहीं होगा, ए के हो सकता है, डब्ल्यू डी नहीं होगा, पी और एन, ए के, डब्ल्यू डी ये मिल गया, फिर इसमें ए डी दे रखा है, अब क्लेम का देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार, मैंने कहीं गलती कर दी हो, लेकिन क्लेम तो इसमें है और इसमें सिर्फ है ही नहीं, पी एन और एस एम, ठीक है, तो नन ऑफ दीज आएगा इसका, इसमें है ही नहीं, एक ही के साथ बाइक है, 9% थ्री डिफरेंट व्हीकल, ठीक है, साइकिल, तो इसको एक बार करते हैं मार्क, ठीक है, डब्ल्यू इज़ द डॉटर ऑफ यू, सॉरी यू इज़ द डॉटर ऑफ W, एंड W who is the only son of, only son है Q का, और S is the mother of, और S is the mother of U हो गई, T is the father in law of S, T is the father in law, यानी कि ये mother in law की है इसकी, R is the son in law of T, R is son in law of T, तो इसकी कोई सिस्टर होगी, और आर जो कि इनका सन इन लॉ होगा, और वी इज़ द ओनली, वी इज़ द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, वी इज़ द ओनली, तो ये हो जाएगा, और एस विल, ठीक है, सही है, पी इज़ द ग्रैंडसन ऑफ टी, पी ग्रैंडसन मे बी सी का होगा, बट नॉट द, हाँ सही होगा ना, पेरेंट्स ऑफ पी, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द पेरेंट ऑफ पी, पी के पेरेंट्स है आर और वी, वन और थ्री, ठीक है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू यू, शू यू क्यू ग्रैंड मदर, ठीक है, और क्या है,
following option shows that first person is the parent of second person. W is the parent of Q, नहीं है. T is the parent of W. V is the parent of T, नहीं है. S is parent of, ये भी नहीं है. P is the parent of, ये भी नहीं है. ठीक है, तो T ही है जो कि parent है U W का, सही है हमारा. और एक ये आगे सेवन पर्सन है जो कि लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर सेवन स्टोरी बिल्डिंग लोअर मोस्ट इज वन. तो ये बनाते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डबल वेरिएबल है ये, तो इसमें दे रखे हैं एक तो ये ब्रांड्स के नेम है. ओके, ठीक है. एटमोस्ट 3 पर्सन, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हो सकते हैं. अब वो करके तो एफ इसी से ऊपर कहीं आएगा, ना इधर ए और एफ, जो कि ए और एफ इधर आएंगे नहीं. और क्या दे रखा है, तो एफ हमें बनाना पड़ेगा, एफ इधर इधर. ठीक है, और फिर क्या था, वन हु यूज एल जी लिव्स टू फ्लोर बिलो एफ, वन और टू एल जी. डी लिव्स इमीडिएट बिलो एल जी. और ओनली 2 पर्सन लिव डी एंड द वन, ओनली 2 पर्सन डी एंड, ये क्या है, वीजीओ जो भी है, जो कि ओड नंबर पे नहीं होगा. तो ये हमारा गलत हो गया, 1, 2. ठीक है, ओनली 2 पर्सन लिव डी एंड, ये हो गया वो जो कि ओड पे है नहीं. ए इज इमीडिएट अबो जी, ए इज इमीडिएट अबो जी, ए ऊपर आएगा नहीं, इसमें आ सकता है काफ़ी जगह अभी. तो एज मैनी पर्सन लिव बिलो ए इज सेम एज द अबो सोनी. अब अगर इधर ए बना दें आ जाएगा, इधर ए, इधर आएगा नहीं, तो इधर ही आएगा ए जी, 1, 2, 1, 2 सोनी. और इधर ऊपर ए आएगा नहीं, ऊपर इधर ए, ए और फिर इधर सोनी नहीं बनेगा, तो ए और जी. ठीक है, 1, 2, 1, 2 सोनी इधर आएगा, बन गया ख़त्म. और फिर कहाँ था ये, बी लिव्स अबो द वन हु यूज हाइव. ठीक है, बट बिलो, एक सेकेंड, बी लिव्स अबो द वन हु यूज हाइव बट बिलो सी. ठीक है, तो सी बी कहीं भी आ सकता है, सी और बी, एक सेकेंड, सी इधर आएगा, बी इधर नीचे, ये आ गया. तो सी नाइदर यूज सोनी नॉर यूज फिलिप्स, लेकिन बी नाइदर यूज है ना, बी इधर आएगा नहीं, बी इधर, सी और बी जो कि ना तो सोनी है ना कि ना ही फिलिप्स है इसके पास. द वन हु यूज हायर इज एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड पैनासोनिक. अगर इधर बना दे तो ई और फिर एक छोड़ के पैनासोनिक इधर आ जाएगा, और फिर क्या है, फिलिप्स इधर आएगी. ठीक है, एक बच गया, क्या बचा है हमारे पास, सैमसंग, सैमसंग इधर, ये गलत, ये बन गया. और बी लिव्स 6th फ्लोर. फिर अमंग द फॉलोइंग यूजेस द एल जी टी वी, एल जी कहाँ है, एल जी, एल जी सेकेंड जो कि ये है जी, इमीडिएट बिलो ये हो जाएगा. हाउ मैनी पर्सन आर बिलो द वन हु यूज, हाउ मैनी पर्सन आर बिलो, 1, 2, 3. ओके, फॉल द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टॉप टू बॉटम टी वी. ठीक है, देन ई यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी डी ई. ठीक है, और फिर है ओड वन आउट बी ए डी, बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, बी ए डी ई सी, ई सी हो गया, 1, 3, 5, 7 बी गलत आ जाएगा इधर. ठीक है, कितने रह गए इसके, अभी 3 और रहते हैं क्या. और इज वन ऑफ द कोड, इफ वन इज एडेड इवन डिजिट एंड टू इज एडेड और डिजिट ऑफ द नंबर, 2, 9, 7, 9, 8, 2, 3, 6, 5, 4.
इवन हो गया ये, तो इवन में हमें क्या करना है, वन इज एडेड 9375 और टू इज सब्ट्रैक्टेड 5713 एंड देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, 12 आ जाएगा। और हाँ मैंने सच पेयर्स बताना है, H8Y25P16 15T20H8E5T20I9C3A1JKL हो गया 12, वो डायरेक्शन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये नहीं बनेगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बनेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बनेगा, 20, 21, 22, 23, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3 ही बने मेरे तो बस, ठीक है। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट राइट, हाउ मेनी रिमेंस अनचेंज, सी का कितना है 3, 15, 14, 6, 9, 4, 5, 14 और T20I9 होगा और A1L हो जाएगा 12, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट लगा लेना, और सबसे बड़ा है 20, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर एक और चौथा है, फिर 15, सेकेंड इधर 9 भी तो है ना, तो इधर आएगा 15, 14, ठीक है इधर 13, 12, इधर आएगा 9, तो एक भी मैच नहीं कर रहा इनमें से, ठीक है नन आएगा इसका, सबमिट नहीं करना भाई। और एक ये तो मेरा रह ही गया, तो क्वांट देखते हैं पहले कैसा दे रखा है, तो भी एक है क्वेश्चन ये जिसमें दोनों प्लस 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 85 है, 17, 5, 17 और 5 आ जाएगा, और 21, 7, 21 और 5, 15, 7, 15 और 7, तो एक्स इक्वल्स टू वाई, इसमें एक्स और वाई नेगेटिव है दोनों में खत्म, इधर माइनस प्लस 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 इंटू 5, 5 और 3, ठीक है 224, 4 पर गया 5, 6, 7, 8, ठीक है, और इधर बनाना है 4 इंटू 2, 7 दूनी 14 और 4 चौक 16, तो वैसे भी ये गलत ही आएगा, ठीक है ये वाला प्लस प्लस था, ठीक है तो फिर है ये प्लस 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 माइनस, और 8 और 7 इधर लाना है 10, 7 दूनी 14 और 4, ठीक है और इधर 8, 8 ग्रेटर देन, तो ये भी सबके सब एक ही आंसर आ रहा है मेरा, तो इधर प्लस माइनस आएगा और ये होता किसका है 2401, 4 2401, 24, 25, 5, 50, 49 का होता है शायद ये 49, 1 और यहाँ से यहाँ 49 का होता है 7 आएगा इधर 7 और 7, ठीक है और फिर 40, 96 ये 16 का होता है 16, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा ये y ग्रेटर देन x, और एक ये है फिर
ठीक है, तो ये देखते हैं अब हम द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो दे रखा, ठीक है अलग निकालना हो। इकोनॉमिक्स टू सोशल साइंस इन ऑल थ्री टर्म्स इज दिस, द स्टूडेंट ऑब्टेंड इक्वल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इन ईच टर्म, ठीक है। और द सम ऑफ द टोटल मार्क्स वन एंड थ्री, ये कैसे निकालें हम, चलो आगे चलते हैं। द मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स इन द फोर्थ फोर्थ टर्म इज 20% एज द मार्क्स ऑब्टेंड बाय द मैथ्स इन सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में 85 का 80% निकालना है हमें। 64 आ गया, 68 आएगा ना, सही लिखा था। और फाइंड द मार्क्स ऑफ मैथ 68 आएगा इसका। फिर है फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ इंग्लिश ऑप्टेंड बाय ऑल, तो इंग्लिश में है 50, 60, 110 और इधर है 70, 180। 3 से करेंगे 60 आ गया। और क्या है एंड द एवरेज नंबर ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस लिख रखा यार इन लोगों ने सिर्फ। अरे ये रहा नीचे, ठीक है ठीक है। तो इसका सोशल साइंस का हम बना लेते हैं फर्स्ट सेकंड और यहाँ थर्ड। 75 ऑफ सम मैथ, मैथ में फर्स्ट में कितने हैं, मैथ है ये 80 का 3/4, 20, 60। और 60% ऑफ द साइंस, साइंस का 60% इधर 7/42। और 80% ऑफ इंग्लिश एंड थर्ड तो 7 है, क्योंकि इंग्लिश में ये 7 हो गया, क्योंकि 7/42 था इधर, 8/7, 56 हो जाएगा इधर। फिर इधर क्या बोला है ऑल थ्री, तो ये कितना हो गया 8, 6/4, 10, 15। इसको 60 - 158/3, 6/118, 180 दो आएगा, 2 और 3, 7, 7 point कुछ आएगा इसका 7.4। इन्होंने 7.4 लिख दिया लेकिन आएगा तो 7.3, 3 था तो 6 × 3 = 18 हो गया। 180 था ना, 180 - 158 = 22 आ गया। ये है सोशल सॉरी साइंस का है 70, 7/6 = 42 हो गया, 8, 8 × 7 = 56 सही है, 8 यहाँ से 10, 15 ठीक है, 60 / 22/3 = 7, 21 3 तो 4 तो वैसे भी नहीं आएगा, नो प्लीज करना पड़ेगा इसका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर, फर्स्ट और सेकंड में कितने बन रही है 50 और 130 यहाँ से 75 और 60 यहाँ से 5, 6, 10, 16 265 फर्स्ट में है, सेकंड में 85, यहाँ देखते हैं 7 और 6 = 13 और इधर है 85 इधर 42 7, 12, 13, 14, 15, 5, 2 डिफरेंस कितना आ गया 5 और 3 = 8 ओके। द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन थर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट इज व्हाट परसेंट, थर्ड में कितना हो गया, ये था इसका फर्स्ट का, ये था सेकंड का, थर्ड में 95 तो एक है, 7 और 6 = 13, 56, 6 × 5 = 11, 1 = 18 इधर, फिर 2 इज व्हाट परसेंट टोटल मार्क्स ओपन बाय ऑल थ्री, ठीक है टोटल मार्क्स ओपन बाय द स्टूडेंट ऑल थ्री टर्म्स इन ऑल सब्जेक्ट 265, 281 7 और 5 = 12, 13, 3 1 और 6 = 12
बीस दो दो चार छः आठ, ठीक है, 803 इंटू 2810083 आठ तीन पर जाएगा ये सीधा सा, 8 3 24, एक सेकेंड, 3 5 3 9 0 8 3 24 और 28 10, ठीक है, फिर इधर आएगा 1 0 वो 400 0 834, ठीक है, 8 4 32, ठीक है, यही आएगा। फिर है 24 × 45/15 प्लस 165, यहाँ से 60 आ जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू 45, ठीक है, एक सेकेंड, माइनस माइनस में आएगा, ठीक है, तो 1 2 3 हो गया, 24 दिए, 4 3 72 हो गया, वो 60 यहाँ से 2 6 12 13, 45 माइनस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 7 और 12 में 87 आ जाएगा माइनस का, नेक्स्ट ये क्या लिख रखा है, ये क्यूब है, ये इधर तो क्यूब, इधर 2 नीचे तो 2 2 4 आ गया, प्लस 26 प्लस 2 4 3 2 6 माइनस 5 5 20 इक्वल्स टू एक्स माइनस 125, तो 4 यहाँ से 30 125, 5 4 9 3 6 3 9 10 और 11 2, 205 यहाँ से माइनस करेंगे, 4 1 14, फिर ये है 4 4 6 2 97, तो ये जाएगा 4 पर, 4 पर जाएगा 7 4 28 2 9 4 36 37 38, 4 4 6 गया 46 और 12 8 5, ठीक है, फिर 2 आ गया, तो इधर ये कितने पर, 7 6 6 पर जाएगा, 7 6 42 4 54, ठीक है, 6 पर ही गया, 46 और 46 एक हो जाएगा, 6 2 12 92, ओके, और यहाँ से 89 एक ऐड हो जाएगा, 64 75, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 2 12 13 10 11 9 2 18, ठीक है, हम सेपरेट करेंगे, इधर आएगा 2 और 7 में 3 4, और फिर ये भी माइनस में आएगा, तो 80 इधर, ठीक है, 38 आएगा माइनस का, फिर है 5 5 25, 2 5 20 21 22 2 5 10 12, फिर यहाँ से 55 एक ऐड हो जाएगा, 336 78 और 7 7 49, ठीक है, 49 9 आएगा, और यहाँ से नया 17 18 19 20 21 22 2 10 16 1 3 और 1 4 5 10 5 3 8 2 और 1 4 63, ये आगे 7 1 और इधर 8 और 3 से 17 51 और 8 3 24 24 51, इधर आगे 7 प्लस 9 प्लस 11, तो 20 27 हो गया, इक्वल्स टू 2.5x, ठीक है, माइनस 3 2 5, ठीक है, उधर जाएगा 530 25, तो 5 से करेंगे 0 3 2 6 5 5 2 10 और फिर 6 2 12 और 212 आ जाएगा इसका, फिर मैं एक ये हो गया, और एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा था ना, इसका मैंने टेबल कहाँ बनाई थी, ये रही, तो द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इकोनॉमिक्स इन होल द इकोनॉमिक्स टू सोशल साइंस, ठीक है, इको का और सोशल साइंस का, इको का ये है, सोशल साइंस का ये हो जाएगा 90, 2 की वैल्यू है तो 21 21 3 3 2 6, ओके, 3 3 2 6 हो गया, और यहाँ पर अगर इसका 2 है 28 3 9 8 24 2 3 6 7 8 84 हो गया, और फिर क्या बताना है हमें, देन स्टूडेंट ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इन ईच टर्म, ये कैसे हो सकता है, इन ईच टर्म देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन सेकेंड एंड वन 47 आएगा यार इस तरह, सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स,
The student obtained equal marks in economics in each term. छोड़ो इसको, नहीं समझ आ रहा और तुम्हें क्यों ही टाइम खराब किया जाना, इसको माफ करते हैं, यही करते हैं। अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। तो एक ये है इनटू, तो इधर हो रहा है प्लस 9, तो 18 हो रहा है 19, फिर हो रहा है 12 एक क्या 3, फिर डैश डैश नहीं बता, 10 हो गया इधर 12, और इधर 14 करके देखते हैं, 4 1 5 3 4, इधर 16 करेंगे 8 6 4 5 6, ठीक है। अगर 45 62 7 10 और 61 करेंगे, बन गया ना, तो इधर 107 आएगा। फिर है माइनस, कितना किया इन्होंने 11, फिर प्लस 13, फिर माइनस 15, फिर प्लस प्लस करना पड़ेगा 17, 17 करेंगे 11 गया 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर इधर डैश डैश और 7 में से गया 6 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ से 37 38, और इधर 5 0 4, तो यहाँ आएगा 34 32 32, ऐड करेंगे 37 आएगा, 5 और 2 7 होता है, इनटू में 0.5 माइनस 0.5, फिर इनका पता नहीं, फिर इधर इनटू 2, एक सेकेंड, इनटू 2 माइनस 1, फिर इधर क्या हो रहा है, 1 है 2 है 3 4 5 है टोटल, 3 2 6 6 2, तो ये है 2 पर तो इतना बनेगा, लेकिन 200 ये आ रहा है 3 4 43, और इधर कितना बनना है 6 2 12 6 12 13, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो इसको। और इधर -1 9, ठीक है, फिर +90, फिर -9 4 6 8, फिर प्लस कितना आ रहा है 9 2 18 6 7 और 1 8, फिर -87 होगा, ठीक है, -87 करेंगे तो 17, तो एक सेकेंड 19 तो ये चला जाएगा, 19 जाने के बाद यहाँ पर बचेगा कितना 7 8, और 7 में 68 आएगा माइनस का। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है क्वेश्चन, तो इससे अच्छा अब हम DI ही कर लेते हैं, क्वेश्चन तो काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए हैं यार। तो DI हमारी क्या है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये दे रखी है टी शर्ट पैंट, और ये दे रखी है द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन फ्राइडे, शर्ट कौन सी है, शर्ट देने 50% ऑफ द टी शर्ट सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को टी शर्ट है ब्लू वाली, थर्सडे को कितनी है 40 का 50% यानी 20 है शर्ट, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट शर्ट फ्राइडे, और इनका 5, तो 4 आ जाएगा, 4 की 12 4 2 8, ये हो गए ब्लैक और वाइट, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट, वाइट 8 हो गई। द एवरेज नंबर ऑफ पैंट सोल्ड ऑन मंडे, पैंट कौन सी है रेड वाली, मंडे को है 20, और फिर है ट्यूजडे 40, और वेडनेसडे को है 30, 0 4 3 7 8 9, एवरेज बताना है 30, एवरेज 1% ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड ऑन, टी शर्ट हमारे पास है ब्लू जो कि ट्यूजडे को है 30, थर्सडे को है 40, और सैटरडे को है 50, 0 5 7 5 12, इनका भी एवरेज कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे 40 आ जाएगा, और इस वट परसेंट होगा 30 40 0 100 गया तो 25 75 आएगा इसका। फिर एक छोटा क्वेश्चन था यार, सम ऑफ द नंबर ऑफ पैंट सोल्ड ऑन, पैंट है हमारे पास ये ट्यूसडे को 40 एंड द टी शर्ट सोल्ड ऑन थर्सडे, टी शर्ट और थर्सडे को 40, पैंट ऑन ट्यूसडे, पैंट ऑन ट्यूसडे भी 40 है, टी शर्ट ऑन थर्सडे, सम बोला है ना 80% ऑफ द साड़ी सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को साड़ी है 60, और फ्राइडे को साड़ी कितनी है 40 100, तो 80% आ जाएगा सिंपल से।
ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ सोल्ड ऑन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ सोल्ड ऑन मंडे टू सैटरडे, सारे जोड़ने क्या? ठीक है, सेवन, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ सोल्ड ऑन मंडे टू सैटरडे, तो यार 20, 30, 60, 70, 80, 90, 90 और 100, 105, 105 और यहाँ से 25, 130, 130, 140 तो ये हो गए रेड वाले, और यहाँ से 35, 30, सॉरी 45 और 30, और यहाँ कितना होगा 25, 25, तो यहाँ 60, 50, 60, 70, 70, 30, 100 हो गए, 140, 140 और 35, यहाँ से 50, यहाँ से 5, तो 5 3 8 4 12, 1 225, ठीक है, फिर ये है 70, 80, 150, 160, 210, और यहाँ से 20 है 230, 230, 270 और 290, यहाँ से 6 3 और 5 6 3 5 6 12 725, 22 और 35, ये इतने ही काफ़ी कम हुए अटैम्प्ट, तो देखते हैं एक्यूरेसी और हमारा स्कोर कितना रहा। एक्यूरेसी ये बात है सारी की सारी, अब काफ़ी कम परसेंटेज आया है, तो मेरे गलत कौन कौन से, दो इसमें गलत हो गए और एक इधर, बताओ। अटेम्प्ट तो 57 हुए थे लेकिन इतने गलत फालतू में हो गए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया मेरा। ठीक है, नीचे देखते हैं एक बार, स्कोर तो भाई काफ़ी बैंकर बैंकर लेके बैठे हैं बच्चे। ठीक है, गलत नहीं होते तो फिर भी अच्छा हो जाता स्कोर। सो गाइस, मेरा स्कोर था ये, और आपका बताना अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।